अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा, उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करते हैं बफ़ज़्ल रब्बे कायनात और ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, साहिब मुअत्तर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, कुरान और साइंस के मुतालिक हमारा प्रोग्राम जारी व सारी है और आज कुरान और साइंस ही को लेकर आज का हमारा मौजू है तख्लीक़े कायनात कुरान की रोशनी में, यानी कि द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इन लाइट ऑफ कुरान। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को किस तरह तख्लीक़ की है, ज़मीन, आसमान और दीगर चीज़ें। हम आपको बताना मुनासिब समझते हैं कि इससे पहले हमारा जो पहला मौजू रहा वो था कुरान और साइंस, एक तारुफ, कुरान एंड साइंस एन इंट्रोडक्शन। और उसमें हमने ये देखने की कोशिश की कि किस तरह कुरान और साइंस का ताल्लुक क्या है, इनकी हदूद क्या है और बुनियादी फ़र्क इन दोनों में क्या है। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे दीन मिल्लत इस्लामिया के फ़ाल दानिश्वर मौलाना नदीम अख्तर कादरी दामद बरकातुहु आलिया। आज भी आप हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और आज हमारे हमारा मौजूद जैसे कि हमने कहा है कि तख्लीक़े कायनात कुरान की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है और हमने कुरान में हर चीज़ को पूरी तफसील से वाज़ेह कर दिया है। आइए इसी की रोशनी में आज हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर। जैसे कि मैंने कहा कि कुरान और साइंस का जो हमारा मौजू चल रहा है इनमें यकीनन मुख्तलिफ़ उन्वानात से हम प्रोग्राम पेश करेंगे और आज हमारा मौजू है तख्लीक़े कायनात कुरान की रोशनी में, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इन लाइट ऑफ कुरान। हज़रत कायनात यानी यूनिवर्स, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, इसकी तख्लीक किस तरह हुई और कुरान इसके बारे में क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العلي العظيم। محترم ناظرین اور ہمارے محترم انور صاحب قبلہ دامت برکاتکم، بہت ہی ویلڈ کوشن ہے اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، یقینا تو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات یعنی یونیورس کی کریشن سے متعلق بھی بہت ہی واضح انداز میں مختلف آیات میں، مختلف مقامات پر، مختلف صورتوں میں اس کو مینشن کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، یقینا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا اولم ير الذين كفروا، کیا ان انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض، کہ آسمان یعنی جمی آسمان، ساتوں آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں ایک شے میں بند تھے، جس کو ہم سائنس کی اصطلاح میں میٹر کہتے ہیں، یعنی ایک مادے میں یہ جکڑے ہوئے تھے، بند تھے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا کر دیا، یعنی آسمان و زمین جو پہلے ایک شے کے اندر مقید تھے پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اس اور پھر آگے ارشاد فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لے کر آتے؟ محترم سامعین اور ناظرین، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلے تو سوال کیا، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ اللہ رب العزت
ताज्जुब के तौर पे नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत की अक्लों को झंझोड़ रहा है, पूरी इंसानियत के दानिशवरान को इस तरफ मुतवज्जे कर रहा है और फरमा रहा है अवलम यरल्लज़ीन कफरू, क्या उन इनकार करने वालों ने नहीं देखा। तो इसमें पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाल किया और फिर एक लफ्ज़ जो इरशाद फरमाया, कलिमा जो वर्ड यूज़ किया है वो है यरा। अरबी में रा यरा, इसके कई मानी आते हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा मुस्तामल है, मोस्ट यूज्ड वर्ड मीनिंग जो है इसकी मीनिंग, वो ये है कि देखना, आँख से देखना। अच्छा, अवलम यरा, अल्लाह ने फरमाया क्या उन्होंने नहीं देखा। तो पता ये चला कि अल्लाह जिस मैटर को इसके बाद बयान कर रहा है, अन्य समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की पैदाइश का जो ज़िक्र है, इसमें गौर करने का मकाम ये है कि पूरी कायनात जब पैदा की गई तो उस वक्त तो इंसान वजूद नहीं रखता था, यकीनन नहीं था, और पहला इंसान अल्लाह तबारक व ताला ने जो पैदा फरमाया आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है पार नंबर 8 में, कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए मेरे प्यारे नबी आप फरमा दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी करना, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला है, ला शरीक लहू व बिज़ालिक उमिरत व अना अव्वल मुस्लिमीन, और उसका कोई शरीक भी नहीं है और मैं ही उसके हुक्म से पहला मुसलमान हूँ। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें जो अना अव्वलुल मुस्लिमीन फरमाया, तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे मुराद नहीं है। तो पता ये चला कि कायनात की जो तख्लीक हुई उस वक्त नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको देखा था, लेकिन उन्होंने तो इनकार नहीं किया। अब जाहिर सी बात है इनकार जो कर रहे होंगे अल्लाह उनसे मुतवज्जे है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो वर्ड यूज़ किया यारा, देखने का, तो मैं अपने नाज़रीन को ये बता देना चाहता हूँ, ये कुरान पाक का एजाज़ है कि कुफ्फार मक्का तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, कायनात की तख्लीक के वक्त मौजूद नहीं थे, तो अल्लाह किन से मुतवज्जे हो रहा है। और बिग बैंग थ्योरी जो है, जो जब हम मॉडर्न साइंस की रिसर्च को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये कायनात एक अजीम धमाके से वजूद में आई जी। तो अब साइंस तरक्की करके इस मकाम को पहुंच चुकी है, इस मकाम को पहुंच चुकी है कि उन्होंने मैटर के और जितने प्रोटॉन हैं यानी जितने क्वार्क तक यानी ज़र्रात, ज़र्रे के आखिरी लम्हे, आखिरी ज़र्रे तक ये पहुंच चुके हैं रिसर्च करते हुए, न्यूट्रॉन तक, प्रोटॉन तक, वहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब जब ये उसको तकसीम कर करके उस मकाम को पहुँचे तो गोया कि ये अपनी आँखों से कायनात की तख्लीक को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बेशुमार ऐसे लातादाद महक्कीन, रिसर्च स्कॉलर ऐसे हैं जो इनकार करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अवलम यरल्लज़ीन कफरू, क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा। अन्नस समावाति वल अर्द, के आसमान और ज़मीन, कानता रत्कन, आपस में मिले हुए थे। अब अल्लाह ने जो वर्ड यूज़ किया आसमान और ज़मीन के बाद, रत्क, रत्क कहते हैं अरबी में कि किसी चीज़ का बंद होना। साइंस इस बात को प्रूव कर रही है, प्रूव कर रही है और साबित कर रही है। आज के मौजूदा साइंटिस्ट जितने हैं मुहक्किकीन, वो इस बात पर पूरे तौर पर मुत्तफिक हैं कि कायनात पहले एक सिंगुलरिटी थी, एक वाहिद हयोला थी जी। और उसको यूं कहें, और यहाँ तक कहा कि सुई का जो नाका होता है, सुई की जो नोक होती है, उसके भी करोड़ों हिस्से किए जाएं तो उससे भी कम की हालत में थी। अच्छा, जो वर्ड यूज किया इन्होंने वो सिंगुलरिटी का किया है, और सिंगुलर कहते हैं वाहिद को। तो पता ये चला इस कायनात की जब इब्तिदा हुई तो वो किसी एक शय से हुई थी, एक चीज से, और अल्लाह ने इनकी जुबानी ये इकरार करा लिया कि इसको बनाने वाला एक है, क्योंकि इन्होंने सिंगुलरिटी का इकरार किया है, उसके लिए जो टर्म यूज किया सिंगुलरिटी, वाहिद हयोला। तो अल्लाह ने फरमाया कानता रत्कन, ये आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, तो हमने उसको जुदा कर दिया। अब साइंस की तरफ आए, जो 20वीं सदी में और 21वीं सदी में यानी 20th century और 21st century की फर्स्ट और सेकेंड डिकेड में, जिसमें हम अब हैं सेकेंड डिकेड में, तो उस सेकेंड डिकेड के अंदर रिसर्च इस मकाम को पहुंच गई है कि ये कायनात जब अजीम धमाके से वजूद में आई, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और ये मुसल्लम है,
हालांकि इसको जब ये माना गया कि ये कायनात एक अजीम धमाके से वजूद में आई और अल्लाह ने इसका इकरार किया, अल्लाह ने इसको मेंशन किया है कुरान पाक में, तो बहुत सारों ने जब ये देखा कि कुरान में इस चीज़ का जिक्र है, दीगर किताबों में हेवनली बुक्स में आसमानी किताबों में इस चीज़ का जिक्र नहीं है, तो उनको ये हुआ कि कुरान की सदाकत, कुरान की सच्चाई लोगों के सामने जाहिर होगी और ह्यूमैनिटी इस तरफ जाएगी कि इस कायनात को किसी ने पैदा किया है। और बेशुमार ऐसे मुहक्किकीन हैं और साइंसदान हैं जो इस बात का इकरार नहीं करते, वो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की खलाकियत का वो इकरार नहीं करते। तो अल्लाह ने इसीलिए पहले तो सवाल किया, फिर उन्हीं की ज़ुबानी उसका इकरार भी कराया और फरमाया हमने इसको जुदा कर दिया। तो आज साइंस ये कहती है पहले एक शय थी, वाहिद हयोला थी, सिंगुलरिटी में थी, फिर इसमें से दो चीज़ें बनी, हीलियम और हाइड्रोजन, दो गैसेस बनी, फिर उसके बाद वो गैस दूसरी गैसों में मुंतकिल हुई और वो यूँ होते होते एक रिसर्च ये हुई है कि ये कायनात 3 लाख साल में, यानी 300 ईयर्स में हमारी जो कायनात अब हम देख रहे हैं इस मकाम को पहुंची है, यानी ज़मीन आसमान ये जमी अफलाक जो अजराम फलकी हैं जिसको हम इंग्लिश में हेवनली बॉडीज कहते हैं, आसमानी अजसाम जितने हैं जिसमें चांद सूरज सितारे सैारे सैारचे दुमदार सितारे शहाब साकिब तारिक इन जैसी जो मखलूकात अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं जिनको हम समावी कायनात समावी मखलूकात कह सकते हैं, क्योंकि तख्लीक 3 किस्म की है। मैं यहाँ पर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कई मकाम पर इस चीज़ को जिक्र फरमाया है। अल्लाह ने यह फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 दिन में ज़मीन को बनाया, 2 दिन में आसमान को बनाया और 2 दिन में इन दोनों के दरमियान जो चीज़ें हैं उनको बनाया, वमा बैनहुमा और आसमान और ज़मीन के, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 12 में भी मेंशन किया है, सूरह हूद मक्किया में, कुरान पाक मेरे सामने है इसलिए मैं रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर अपने नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ। सूरह हूद मक्किया में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वहुअल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम वकाना अर्शुहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह इरशाद फरमाता है वही तो रब है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया, वकाना अर्शहु अललमा, और जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को क्रिएट किया और उनके दरमियान जो है, तो उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया, तो फरमाया अल्लाह ये इम्तिहान कर लेना चाहता है, आजमा लेना चाहता है कि तुम में कौन अच्छे अमल करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात कि क्रिएशन के वक्त उसका अर्श जो पानी पर था, तो 6 दिनों में, इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पार नंबर 8 में मेंशन किया है, इसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने पार नंबर 24 में भी मेंशन किया है। तो अलगर्स कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात के अंदर इस चीज़ को बयान किया है, लेकिन जो मैंने पहले पेश किया अर्ज़ किया कि एक रिसर्च ये बताती है ये कायनात 3 लाख साल में 300 ईयर्स के अंदर हमारी जो अभी हमारे निगाहों के सामने ये हमारे सामने आई, यानी पूरी मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट बॉडी के साथ, क्योंकि पहले तो ये वाहिद हयोला थी, जब ये आपस में तकसीम होते 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 इस मकाम पे कि जब सूरज चांद सितारे अलग अलग हो गए, सैारे कहकशाएं मिल्की वे जिसमें अब हम रह रहे हैं, दूधदारी कहकशा जिसको इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, तो मुख्तलिफ गैलेक्सीज यानी 2 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस बिलियंस स्टार्स हैं। तो ये जो आज जो अजराम फलकी हमारे सामने हैं, तो रिसर्च ये बता रही है कि ये 3 लाख साल में, तो मैंने तो 6 दिन का जिक्र फरमाया और आज की रिसर्च बता रही है कि ये कायनात 3 लाख सालों में मारज़े वजूद में आई। लेकिन इसको आप यूं देखें कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बयान फरमाया है कि यौम से मुराद इमाम रागिब इस्फहानी ने, इमाम रागिब इस्फहानी अलैहि रहमा एक अजीम मुफस्सिर अजीम दानिश्वर गुजरे हैं और अल्लामा आलूसी अलैहि रहमा, इन जैसे मुहक्किकीन ने यह बताया कि यौम के 2 माना हैं, एक तो वो है जो हम 24 घंटे मुराद लेते हैं, दिन और रात, दिन और रात का वक्त जिसको हम 24 घंटे पर मुश्तमिल कहते हैं दिन,
और एक दिन वो है जिसको अल्लाह ने फरमाया खमसीन अल्फ सना, कि कयामत के दिन 50,000 साल का होगा। तो एक दिन 50,000 साल का होगा। अगर 50,000 साल को, क्योंकि जिस वक्त अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया उस वक्त तो ज़मीन व आसमान थी नहीं, और उस वक्त इन दिनों का वजूद भी नहीं था, यानी कि 24 घंटों का वजूद ही नहीं था, तखयल तसव्वुर नहीं था, तसव्वुर ही नहीं था। क्योंकि जब सूरज एक चक्कर लगाता है, हमारे रिसर्च के मुताबिक, आज मुहक्किकीन की रिसर्च के मुताबिक, तब 24 घंटे बनते हैं, जिसको हम दिन और रात पर मुश्तमिल एक दिन कहते हैं जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया कयामत का दिन 50,000 साल का होगा। तो इस आयत को सामने रखकर अगर मॉडर्न साइंस की न्यू रिसर्च को देखा जाए तो इससे पता चलता है कि रिसर्च जो बता रही है कि 3 लाख साल में ये कायनात मारज़े वजूद में आई, तो ये कुरान पाक के मुखालिफ नहीं होगा, बल्कि कुरान पाक के मुआफिक होगा। क्योंकि अगर हर दिन 50,000 साल का मान लिया जाए तो 6 दिन 3 लाख साल के बनते हैं। तो अलगर्ज अगर इसको हम समराइज करें तो यूं होगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसको, हालांकि अल्लाह ने इशाद फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैअन अन यकूल लहु कुन फयकून, कि अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो वह सिर्फ कुन कहता है तो फयकून वह हो जाती है। तो अल्लाह चाहता तो इसको सिकंड के भी करोड़ हवे हिस्से में इसको पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इसको ग्रेजुअली क्रिएट किया है ताकि दुनिया को यह पता चले कि जो चीज़ अल्लाह पैदा कर रहा है उसको इवोल्यूट करता है, कायनात को पता चलता है, कायनात को यह बताना चाहता है कि तुम कोई काम, जब अल्लाह अल्लाह होकर खालिक कायनात होकर वो कायनात को तदरीजन इर्तिका के मराहिल से तय कर रहा है, करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि तुम भी जब कोई काम करो तो उसको तदरीज के साथ करो, हर मरहला मरहलावार करो। अल्लाह तबारक व ताला ने इसी चीज को पार नंबर 24 के अंदर जो मेंशन फरमाया, इसको और कैटेगोरिकली अल्लाह तबारक व ताला ने मेंशन किया है, और वहां पर भी कफरा यकफुरु इनकार करने के माना में आया है, कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलकल अर्ज़ फी यौमैन वतजअलून लहू अंदादा। ए नबी आप फरमाइए इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी, क्या तुम उस रब का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में बनाया, वतजअलून लहू अंदादा, और तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो, उसका कोई हमसाया लेकर आते हो, ज़ालिका रब्बुल आलमीन, और वो अल्लाह तो पूरी कायनात का रब है, पालने वाला है, वजअल फीहा रवासिया मिन फौकिहा, और अल्लाह ने फरमाया फिर हमने इस ज़मीन को जो 2 दिन में बनाया इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ बना दिए, वबारक फीहा, और उसमें हमने बरकतें रख दी, वक़द्दर फीहा अक़वातहा, और हमने उसमें उनके खाने पीने का रिस्क भी मुकर्रर फरमा दिया, फ़ी अरबात अय्याम 4 दिनों में, सवा लिस्साइलीन ये सवाल करने वालों के लिए ठीक जवाब है, सुम्मस्तवा इलस समा, फिर अल्लाह ने आसमान की तरफ कस्द फरमाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन को क्रिएट कर दिया और ज़मीन के अंदर जो कुछ है इसको जब पूरी तौर से अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया तो अल्लाह ने फिर आसमान की तरफ कस्द फरमाया, वही है दुखानुन, और वो दुखान था, दुखान कहते हैं धुआं, धुआं के ऊपर जो एक गुबार सी नज़र आती है उसको दुखान कहते हैं, और इसको अगर साइंटिफिक टर्म में लिया जाए तो इसको गैस कह सकते हैं। फ़काल लहा वलिल अर्द इतिया तो अन अवकरहा, तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन व आसमान तुम मेरे पास आओ, तो अन अवकरहा, राज़ी होकर आ जाओ या फिर जबर करके आ जाओ, यानी खुशी से या ना खुशी से, लेकिन तुमको आना पड़ेगा। क़ालता अतैना ताइईन, तो ज़मीन व आसमान ने कहा कि हम तेरे पास खुशू व खुजू के साथ आएंगे, इताअत करते हुए आएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया फ़क़लाहुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व अवहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा, तो अल्लाह फरमा रहा है फिर 7 आसमान को हमने 2 दिनों में बनाया, व अवहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा, और हर आसमान में हमने अपने अम्र को वही फरमा दिया, वज़य्यन्ना समा अद्दुनिया बिमसाबिहा व हिफ़्ज़ा, और हमने इस करीब वाले आसमान को हमने सितारों से मुज़य्यन फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम, ये इज़्ज़त वाले और इल्म वाले रब का फ़ैसला है। तो कुरान पाक की इन जैसी बेशुमार आयात हैं
जिनके ज़रिए ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को किस तरह पैदा फरमाया। मॉडर्न साइंस की जो रिसर्च है और कुरान पाक की जो 1400 साल पहले कुरान पाक उतरा और कुरान पाक ने उस वक्त इन उमूर को कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि जिस वक्त अरब में सिर्फ 13 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, ओनली 13% कैन राइट एंड रीड, दे कैन राइट देयर नेम्स, ओनली 30% कैन राइट देयर नेम। तो ऐसे दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की तख्लीक का जिक्र फरमाया है। तो इससे ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदा फरमाया कायनात को, जाहिर सी बात है जब ये कायनात पैदा हुई और एक बड़े धमाके से वजूद में आई तो ये यूं ही नहीं आ गई, एक सेकंड में नहीं आ गई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको तदरीजन इर्तिका दिया है। बहुत खूब हज़रत क़िबला, अभी आपने बताया कि यकीनन ये अपने आप में बहुत वसी है, ये मौजू बहुत वसी है। हम ये चाहते हैं कि इस कुरान एंड साइंस का मौजू इसलिए हमने इंतखाब किया ताकि हमें नाज़रीन को पता चले कि तमाम चीज़ें जो हैं वो कुरान में ये मौजूद हैं, चाहे वो कायनात हो, समंदर हो, कुछ भी हो, सब का जिक्र आया है कुरान शरीफ में। अभी आपने थोड़ी देर पहले आसमान का जिक्र किया, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि अफलाक यानी कि फलक की जमा आसमान, ये आसमान कितने हैं और कुरान इसके बारे में क्या क्या कहता है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक ने इस कायनात को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने इसी के साथ आसमानों का जिक्र भी फरमाया है। तो अल्लाह तबारक ने फरमाया अल्लज़ी खलक सबअ समावात, कि वो रब जिसने सात आसमान बनाए। ठीक, सात आसमान। तो इसको अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में पार नंबर 29 में इशाद फरमाया सूरह नूह के अंदर, अलम तरो कैफ खलकल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व ताला ने सात आसमान तबक दर तबक किस तरह बनाए। अच्छा, एक आसमान और दूसरे आसमान में वो फासला कितना कितना होता है, कुरान क्या कहता है? मुख्तलिफ रिवायात की रोशनी में ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आसमानों के दरमियान जो फासला रखा है वो अगर तेज़ रफ्तार घोड़ा 500 साल पूरी अपनी रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ जाए तो उसको 500 साल लग जाए बगैर रुके, विदाउट एनी स्टॉप, 500 साल। तो ये तो एक अंदाज़ा है, तखमीना है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसीलिए इरशाद फरमाया वसिया कुर्सी यो समावाति वल अर्ध, अल्लाह की कुर्सी आसमान और ज़मीन को घेरे हुए। यकीनन यकीनन यकीनन। हज़रत क़िबला, रातों को जो हम आसमान जो हम देखते हैं, आसमान की जीनत वो बनते हैं यकीनन, वो है सितारे, कुरान इसके बारे में क्या कहता है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वज़य्यन्ना समाअ अद्दुनिया बिमसाबिह वहिफ़ज़ा, जो मैंने आयत पहले मेंशन की थी जी जी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने आसमानी दुनिया को सितारों से मुज़य्यन फरमाया है, डेकोरेट किया है जी। जिस तरह इंसान अपने घर को डेकोरेट करता है, बल्ब लगाता है, लाइटिंग करता है और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ताकि तुम्हें आपस में पता चले, दिन और रात का फासला हो, तो हमने सितारे बना दिए, वल कमर कद्दरना, और हमने इसी तरह चांद की मनाजिल तय कर दिए ताकि आपको पता चले कि आपके दिनों की तादाद क्या है, महीनों की तादाद क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी कई मकाम पर इसका जिक्र फरमाया, कहीं मसाबिह फरमाया, कहीं कवाकिब फरमाया, कहीं सितारों का जिक्र। अच्छा, मिसबाह जो है ये मिसबाह फरमाया, मिसबाह की जमा मसाबिह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ कुरान पाक में कई जगह पर इनका भी जिक्र फरमाया है। हज़रत क़िबला, हमें लगे हाथ ही भी बता दें कि कुरान चांद के बारे में क्या कहता है, और साइंस के मुताबिक और ये है कि इंसान चांद पर भी जा सकता है, तो क्या ये मुमकिन है? कुरान पाक ने चांद का मुख्तलिफ जगह पर जिक्र फरमाया है,
और अल्लाह तबारक व ताला ने पारा नंबर 2 सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, यसअलूनक अनिल अहिल्ला। ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे नए चांद के बारे में सवाल करेंगे। हाँ। कि नया चांद क्यों आता है? सूरज तो आता नहीं है, सूरज तो रोजाना आता है, रोजाना डूबता है। हाँ। लेकिन चांद के बारे में ये आपसे सवाल करेंगे, ये ऐसा क्यों है? तो अल्लाह ने बहुत ही मुख्तसर तौर पर इसका जवाब दिया, फरमाया कुल ही मवाकीतुल लिन्नास वल हज। अल्लाह तबारक ने फरमाया ये लोगों के और हज को बताने के लिए मीकात है, यानी वक्त बयान फरमाने के लिए अल्लाह तबारक ताला इसको डुबोता है और इसको तुलू फरमाता है, इसको गुरू फरमाता है। और सूरज का ये है कि सूरज को अल्लाह तबारक, इसीलिए इस्लामी कैलेंडर जो है वो इस्लामी महीना चांद से शुरू होता है। हाँ। और चांद पे ख़त्म होता है। और जो मीलादी या हम ईसवी कैलेंडर कहें उसको, हाँ। वो जो है सूरज से शुरू होता है, सूरज पे ख़त्म होता है। हाँ। तो सूरज तो ना कभी गुरूब होता है ना कभी डूबता है। हाँ। तो अल्लाह तबारक ने फरमाया कि ये जब चांद के बारे में आपसे सवाल करेंगे तो फरमाना कुल हिया मवाकीतुल लिन्नास वल हज, ये लोगों के लिए और हज के बताने के लिए ये तुम्हारे लिए एक आला है, एक डिवाइस है। क्योंकि पहले कायनात में वाच का वजूद नहीं था, घड़ी का वजूद नहीं था। हाँ। तो अल्लाह तबारक तआला ने चांद का सिस्टम रखा था कि लोग चांद के निकलने से, चांद के गुरूब होने से अपने हर काम को वज़ा करते थे, उसके मुताबिक किया करते थे। और आपने ये जो क्वेश्चन किया है कि क्या इंसान का चांद पे जाना मुमकिन है, तो इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने पार नंबर 30 में इरशाद फरमाया, वलकमरी इदत तसक, सुर इनशिकाक मक्किया में, कि अल्लाह इरशाद फरमाता है चांद की कसम खाता हूँ जब वो पूरा हो जाता है। यसअलूनक अनिल अहिल्ला में चांद के तुलु होने का जिक्र फरमाया, कि चांद नए चांद का जिक्र फरमाया। वलकमरी इदत तसक में चांद के पूरे होने का जिक्र फरमाया, फरमाया वलकमरी इदत तसक में चांद की कसम खाता हूँ जब वो पूरा हो जाता है। लतर कबुन तबकन अन तबक, तुम जरूर ब जरूर एक तबक से दूसरे तबक सफर करोगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर बड़ा अहम नुक्ता यह है कि अल्लाह ने जो वर्ड यूज किया है अरबी में रकीबा यरकबू, इसके माना आते हैं सवारी, सवार करना। रकीबा यरकबू अरबी में मरकब कहते हैं सवारी को, चाहे आपकी कोई भी सवारी हो। जब इंसान ने पहली मरतबा चांद की सरफेस पे, चांद की सतह पर अपना कदम रखा जी। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कोलिंस और एडविन बुज, इन तीन हजरात ने जो अमेरिकन खलाईबाज हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, ये तीनों हजरात अमेरिका से सफर किए और चांद की धरती पर इन्होंने कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा। और 20 जुलाई को तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो वर्ड यूज किया वो रकीबा यरकबू, सवार होना। तो पता ये चला कि इंसान यूं सफर करके नहीं जाएगा बल्कि किसी सवारी के जरिए जाएगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इस अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक की इस आयत में जो वर्ड यूज किया वो भी वैलिड लफ्ज यूज किया है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला एक हर्फ भी जायद इस्तेमाल नहीं करता। यकीनन लतर कबुन्ना, अल्लाह ने और फरमाया तुम जरूर ब जरूर सफर करोगे, ये नहीं कहा सफर किया या सफर करते हो, फरमाया तुम जरूर ब जरूर सफर करोगे। तो पता ये चला कि इस कायनात के इख्तिताम से पहले पहले इंसान एक तबक से दूसरे तबक सफर करेगा इस यूनिवर्स के। अभी तो इंसान चांद पे जाने की बात कर रहा है या जा चुका है, लेकिन यूं इंसान मार्स पे भी जाएगा, जुपिटर पे भी जाएगा, सेटन पे भी जाएगा। 2 बिलियन से ज़्यादा जो गैलेक्सीज हैं, इंसान को अभी वहाँ का सफ़र करना है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वसख़र लकुम मा फिस समावाति वल अर्ध, आसमान और ज़मीन तुम्हारे ताबे कर दी गई हैं। और ताबे का मतलब एक तो ये होता है कि खुदा की तरह, जैसे कि खुदा इस कायनात को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा मतलब ये होता है कि इंसान इनसे फ़ायदा उठाएगा। जिस तरह अभी इंसान सूरज की गर्मी से, सूरज की तपिश से सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, गाड़ियाँ चला रहा है, और इंसान आज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया लतरकबुन तबकन अन तबक, तबकन अन तबक। और यहाँ अरबी में जो वर्ड यूज़ हुआ है
तबक। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया लतरकबुन्ना अरलन अन अरलिन, एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन तुम सफ़र करोगे, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने तबक का ज़िक्र फरमाया, लतरकबुन्ना तबकन। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि पता चले कि कुरान पाक कितना मिरिकल बयान करता है, कितने मोजज़ात का इजहार फरमा रहा है। पहले तो लतरकबुन्ना, रकीब यरकबू, सवारी करना। दूसरा फरमाया तबकन। अब इसमें यह नहीं कहा जमीन से जमीन से सूरज पे जाएगा, या जमीन से चांद पे जाएगा इंसान, या जमीन से पहले आसमान पे इंसान जाएगा, बल्कि अल्लाह ने किनायतन फरमाया, नकीरतन। इसके लिए कोई ख़ास नहीं फरमाया। अगर अल्लाह ख़ास फरमा देता तो पता ये चलता कि इंसान की हद यहाँ से वहाँ तक है। इसीलिए आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र किया मेराज का, तो उनके सफ़र की कोई हद नहीं है, अर्श आज़म तक उन्होंने सफ़र फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है वो इंसान, देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक बड़ा वाज़ेह नुक्ता यहाँ पर मैं बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इशाद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, जब कोहे तूर पर अल्लाह ने कलाम फरमाया तो कोहे तूर पे बुलाया, तूर पहाड़ पे बुलाया, तो उनकी उम्मत की हद पहाड़ों तक रही, उनकी उम्मत में कोई भी सफ़र ना कर सका, यानी चांद पे ना जा सका, या मार्स जुपिटर पे नहीं जा सका, या कोई ऐसे डिवाइस उन्होंने इजाद नहीं किए कि जो वहां तक पहुंचते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस नबी की उम्मत में, इस नबी की उम्मत में ऐसा होना था, इसलिए जो मेराज कराई वो आसमानों की कराई। अल्लाह चाहता तो अपना दीदार दुनिया में करा देता, लेकिन उसने आसमानों के पार बुलाकर ये बताया कि ए इंसानों, तुम्हारी परवाज़ बहुत ऊंची तक है। इसलिए फरमाया वसखर लकुम माफिस समावाती वल अर्ध, आसमानों जमीन में जो कुछ है हमने तुम्हारे ताबे कर दिया है। सूरज और चांद की तो हम बात ही कर रहे हैं, मगर जदीद साइंस को जब हम देखते हैं तो जदीद साइंस ये कहता है कि ज़मीन गर्दिश करती है, रोटेट्स, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला कई जगहों पर इशाद फरमा रहा है कि चांद और सूरज गर्दिश में है, तो इस ये कैसे? कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने पार नंबर 23 में सूरह यासीन के अंदर सूरज का जिक्र फरमाया, वश्शम्सु तजरी, सूरज दौड़ता है, चांद का भी जिक्र फरमाया, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, पार नंबर 17 में सूरह अंबिया में फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर, वही रब है जिसने रात और दिन को बनाया, सूरज और चांद को भी बनाया, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर एक अपने फलक में तैर रहा है। और इसकी मुफस्सरीन ने यूं तारीफ की है, इसकी तफसीर की है कि कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, सबह यसबहु कहते हैं तैरना, स्विमिंग करना जी। तो जिस तरह इंसान तैरता है, इसी तरह ये कायनात में तमाम अफलाक अजराम फलकी हेवनली बॉडीज तैर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चांद का तो जिक्र फरमाया सराहतन, लेकिन जमीन के कहीं तैरने का जिक्र नहीं फरमाया। लेकिन मॉडर्न साइंस इस बात को कहती है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। अल्लाह तबारक व तआला पार नंबर 22 में इरशाद फरमाता है सूरह फातिर के अंदर इन्नल्लाह युम्सिकुस समावाति वल अर्ला अन तज़ूला, बेशक अल्लाह आसमानों जमीन को पकड़े हुआ है। इसमें अल्लाह ने समावात वल अर्ल, आसमान और जमीन का जिक्र फरमाया, अन तज़ूला कि वो जुम्बिश ना करें, हरकत ना करें, वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी, और अल्लाह ने इसमें सवाल भी कर दिया, अगर ये दोनों अपनी जगह से हट जाएं तो कोई उनको पकड़ने वाला है? तो अल्लाह तब इससे बहुत सारे मुफस्सरीन ने ये बात अख्ज़ की है, ये अम्र वाज़ी किया है कि सूरज और चाँद तो गर्दिश कर रहे हैं लेकिन ज़मीन गर्दिश नहीं कर रही। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर कई रिसाले तरतीब फरमाए हैं कि ज़मीन साकिन है और सूरज
متحرک ہے. لیکن ماڈرن سائنس یہ تحقیق کر کے پہنچی ہے کہ زمین جو ہے چکر لگاتی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, جب اس امر کو پیش کیا گیا, اعلی حضرت علیہ الرحمٰ نے زمین کے ساکن ہونے سے متعلق کئی رسالے ترتیب دیے ہیں اور انہوں نے 100 سے زائد دلائل دیے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے. جب ان کے ان دلائل کو ڈاکٹر عبدالسلام عبدالقدیر, ڈاکٹر عبدالقدیر پاکستانی نوبل پرائز ونر ہیں سائنس اور فزکس میں, ان کے سامنے جب ان دلائل کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سائنسدانوں کو دوبارہ تحقیق کرنی چاہیے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی سائنسدان متفق نہیں ہیں اس بات پر, کیونکہ کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہا ہے, تو ہر ایک کے اندر تو زمین بھی آتی ہے اگر ایک نقطۂ نظر سے دیکھا جائے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا کہ جنبش نہ کریں, اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے اور آسمان بھی ساکن ہے. لیکن ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمان اور زمین اور پوری کائنات کے اجرام فلکی ہیونلی باڈیز یہ ایکسپینڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بڑے ستارے کی طرف یہ گردش کر رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, متحرک ہیں. جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون, اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, لموسعون. تو اللہ تبارک و تعالی نے موسعون کا جو ورڈ یوز کیا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات وسیع ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کائنات پہلے واحد ہیولہ تھی, جی, سنگولریٹی تھی, اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. جیسے کہ ایڈوین ہوبل نے 1929 میں امریکہ کے اندر ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کے تحقیق سے یہ ثابت کیا, انہوں نے اپنی دوربین کے ذریعے, کہ یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک کا یہ فضل ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اس تحقیق کو بھی بیان فرما دیا. تو یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے. دو طبقے ہیں, دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک طبقہ اس بات کو کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے, دوسرا کہتا ہے کہ دی ارتھ ریوولوس اراؤنڈ دا سن. ٹھیک ہے حضرت قبلہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم چاند کا ذکر کر رہے تھے. ایک سوال جو ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہم سب نے سنا ہے, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پار نمبر 27 میں سور قمر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی اور سورج شق ہو گیا, ٹکڑے ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ سائنس کی تحقیق میں آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چاند کسی وقت میں دو ٹکڑے ہوا ہے, اور اس کا نام بھی انہوں نے عرب دراڑ رکھا ہے. تو جب سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ چاند جو ہے کسی زمانے میں دو ٹکڑے ہوا ہے. تو یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یقین ہے بے شک. حضرت قبلہ, ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, چونکہ ہم کائنات کی بات کر رہے ہیں تو آسمان اور آسمان پر ستارے, چاند, سورج کی ہم بات کر رہے ہیں, یقیناً یہ اپنے آپ میں بہت وسیع ہے. میں چاہتا ہوں کہ زمین کی بھی تھوڑی بات ہو جائے, کہ جس طرح آسمان کی اپنی الگ دنیا ہے, ویسے بھی کہتے ہیں کہ زمین کی اپنی الگ دنیا ہے. خاص طور پر میری مراد سمندر سے ہے, کہ سمندر کی تہ میں, سمندر کی گہرائی و گہرائی میں الگ دنیائیں بسی ہوئی ہیں. ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے قرآن کی روشنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمندروں کا ذکر فرمایا ہے, اور پارہ نمبر 27 میں سورہ رحمان کے اندر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 سورہ نور میں اس کا ذکر فرمایا, اور یوں قرآن پاک میں کئی جگہ پر بحر کے نام سے, بحر عربی میں سمندر کو کہتے ہیں, اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور یہ پورا ایک مکمل چیپٹر ہے اوشنولوجی کے, بحریات. اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن نے اس کو بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا, حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمندروں کی سیر لوگ کرتے تھے, لیکن
जिस तरह 15वीं सदी के बाद से यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के 1000 साल के बाद जिस तरह लोगों ने पूरी दुनिया के चक्कर लगाए, हुजूर के ज़माने में किसी ने पूरी दुनिया का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन अल्लाह तबार ने उसके बावजूद इस चीज़ को मेंशन किया और इरशाद फरमाया, बैनहुमा बरज़खुन ला बग़यान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला बग़यान, कि अल्लाह ने दो समंदर बहाए जो आपस में तुम्हें लगता है कि मिलते हैं। अल्लाह फरमा रहा है बैनहुमा बरज़ख, इन दोनों के दरमियान एक बरज़ख है ला बग़यान जो मिलने नहीं देता। तो ये एक मुकम्मल टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, इंशाअल्लाह हम इस पर तफसील के साथ आने वाले किस्तों में इसको बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत क़िबला, आखिरी सवाल इसका कि क्या तस्खीर कायनात कुरान और साइंस की रोशनी में मुमकिन है? तस्खीर कायनात, अगर इसके दो पहलू हैं, अगर हम तस्खीर कायनात से ये मुराद लेते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जिस तरह इस कायनात के निज़ाम को अपने इल्म कुदरत और हिकमत के मुताबिक चला रहा है, अगर उसमें इंटरफेयर करने की मुराद लें तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। यकीनन, क्योंकि अल्लाह तबारक ने फरमाया वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। तो इस कायनात में बेशुमार मखलूकात पैदा हो रही हैं और इंसान उनको काउंट भी नहीं कर सकता। बेशुमार कई ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने अपनी ज़ुबान से यह एतराफ़ किया है कि अगर हमें बिलियन ईयर्स की उम्र मिल जाए और हम पूरी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दें कायनात की एक मखलूक के बारे में गौर व फिक्र करने के लिए, तो हम उसकी हकीकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यूँ तस्खीर कायनात अगर देखा जाए इस नज़रिए से तो ये नामुमकिन है, लेकिन अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे फरमाया वबारक फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अरबाति अय्याम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन में हमने बरकत रख दी और उसमें रोज़ी का एहतमाम फरमा दिया, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए मताअल्लकुम वली अनामिकुम, इसमें तुम्हारे लिए सामान है, तुम्हारे चौपायों के लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए, अगर उस नज़रिए से देखा जाए कि इंसान इस कायनात से फ़ायदा उठाएगा तो वो उठा रहा है। और अल्लाह ने इसको बयान भी फरमाया कि हमने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं फरमाया है। जैसे कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये अपने आप में बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ मौजू है, मगर कोशिश यही है कि हमारे नाज़रीन कम से कम जो बुनियादी बातें हैं वो हम नाज़रीन तक हम पहुँचा सकें। तो एक बार फिर हज़रत क़िबला बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, अंजुमन प्रोग्राम का मुकर्रर वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपको हम बता दें कि आज हमने बात की अंजुमन प्रोग्राम में जो कुरान और साइंस के मुतालिक मुख्तलिफ हमारे जो मौजूआत हैं आज हैं, तख्लीक कायनात कुरान की रोशनी में, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इन लाइट ऑफ कुरान शरीफ। यकीनन ये अपने आप में बहुत फैला हुआ मौजू है, बस बुनियादी बातें आप तक पहुँचानी हैं ताकि पता चले कि कुरान शरीफ वो किताब है, वो इल्हामी किताब है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम के तमाम चीज़ें, ज़र्रा का भी जिक्र इसमें हुआ है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इससे इस्तेफादा करेंगे। हम आपको बता दें कि हमारा अगला मौजू कुरान और साइंस ही के मुतालिक जो होगा हमने रखा है, इंसानी ज़िंदगी का आगाज़, यानी कि इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह हुआ कायनात में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मौजू के साथ हम आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक लिए अनवर को रुख्सत की इजाज़त, दुआ में याद करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।